विवेक, आपने एक डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने दो बार आपको डिसअपॉइंट किया कि जेनोसाइड का इन्वेस्टिगेशन नहीं उन्होंने करने को बोला। अगर हो इन्वेस्टिगेशन तो क्या उम्मीद कर। मैं ये कह रहा हूं, अगर कश्मीर के जेनोसाइड का एकदम ऑनेस्ट देवी और आपका ऑडियो फेयर, मुझे नहीं आ रहा। हाँ सुशील जी को आ रहा है, अब आ रहा, मैं हाँ ये मुझे कह रहा अब आ हूं कि रहा। अगर जी अगर कश्मीर के जेनोसाइड का एकदम फेयर और ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन कोई करे, चलिए आपको इंडिया में भरोसा नहीं है, आप वर्ल्ड की किसी भी ऑनेस्ट ज्यूरी से अगर करवाएं तो दो चीजें होंगी। इंडिया का जो सेकुलरिज्म का जो पूरा नकाब हमने लगा रखा है वो एक सेकंड में ढह जाएगा, उसकी पूरी की पूरी हिपोक्रेसी ढह के सामने गिर जाएगी, और लोगों को, बच्चे बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि सेकुलरिज्म सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन है अपीजमेंट का, और इसका सेकुलरिज्म से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। ठीक है, और मैं इसके बाद आपको रीजनिंग भी दूंगा ऐसा क्यों है। दूसरा, इंडिया की जो जुडिशरी और जो कॉन्स्टिट्यूशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो गार्जियंस हैं उन लोगों की क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा कि उसके बाद कोई पलट के ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ना जुडिशरी या पार्लियामेंट की तरफ नजर उठा के देखेगा, ये सत्य है। अब हुआ ये कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, चलिए मैं ये भी मानने को तैयार हूं, हालांकि कई लोग, मैं थियोरेटिकली बात कर रहा हूं, दिल मेरा कुछ और बोल रहा है, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं, चलिए उस वक्त एक माहौल बन गया, उसमें एक सिचुएशन हो गई, लोग नहीं कर पाए कंट्रोल, एक गलती हो गई, ब्लंडर हो गया, सबसे हो गया। मैं कहता हूं जुडिशरी, लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिशियंस, बीजेपी, कांग्रेस, विश्वनाथ प्रताप सिंह, सबसे गलती हो गई। हो जाता है कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन की हो गई गलती, वर्ल्ड वॉर भी तो एक गलती हो गई थी सारी दुनिया से, पर उसके बाद उन लोगों ने जो रिएक्ट किया उसको लेके वो अभूतपूर्व है, वो ह्यूमैनिटी की इतनी बड़ी मिसाल एक है। आज मैं अभी जर्मनी में था कुछ वक्त पहले, आप जर्मनी में एंटी सेमिटिज्म इलीगल है, और हिटलर के बारे में कोई भी ऐसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल उठाना जिससे ये लगे कि वो जस्टिफाइड है, आप जेल में जाएंगे। उन्होंने वो सारे मॉन्यूमेंट्स और सब चीजों का नामो निशान मिटा दिया जिससे हिटलर या वर्ल्ड वॉर की याद है, यही पोलैंड में किया है। पर हमारे यहाँ एक गलती को कवर अप करने के चक्कर में आज हमने ये स्थिति खड़ी कर दी है कि अगर ईमानदारी से बात की जाए, जिस सेकुलरिज्म को ये लोग माइनॉरिटी को अपीज और प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, आज वो माइनॉरिटी ही उस सेकुलरिज्म के खिलाफ खड़ी है। भाई आप जाके कश्मीरी किसी मुस्लिम लड़के लड़की से जरा सेकुलरिज्म की बात तो करके देखिए, वो आपको ना आपके मुंह पे थूक दे तो मेरा नाम नहीं है।